मध्य प्रदेश के सिवनी के आधे गांव में धर्म अंतरण का दूसरा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अध्यादेश के आने के बाद मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के आधे गांव थाना क्षेत्र में ये दूसरा मामला है। जानकारी के मुताबिक सिवनी जिले के आधे गांव थाना के ग्राम सिमरियाक में एक घर में हो रहे धर्मांतरण की सूचना मिलते ही आधे गांव थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचते ही धर्मांतरण करने वाले चार लोग वहां से फरार हो गए। पुलिस ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाने में आके एक लिखित रिपोर्ट दिया है कि उसके दो बच्चियों की तबीयत पूरे से खराब थी, जिसका झाड़फूंक मतलब जोइन पास्टर नाम का व्यक्ति कर रहा था, और उसने फिर दिनांक 6 तारीख को मतलब इसको लड़के स्वस्थ होने के कारण से उनको और अपने तीन अन्य साथियों को बुलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। प्रलोभन और धमकी देकर तो इस पर इसी आशय की रिपोर्ट पर थाना आधे गाँव में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो सर अभी तक अभी मतलब पूर्व दो दिनों का अभी तक क्या कार्रवाई हुई सर आरोपियों का? लगातार तलाश की जा रही है, जो आरोपी अभी फरार हो चुका है। गौरतलब है कि धर्मांतरण का ये खेल आदिवासी क्षेत्र में करीब एक साल से किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि एक विशेष धर्म वाले भोले भाले आदिवासियों को इलाज के पैसे का प्रलोभन देकर दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। धर्मांतरण का ये मामला सिवनी जिले का दूसरा मामला है। इससे पहले भी सिवनी के कुरई थाना क्षेत्र में दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्टर न्यूज़।